तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 76 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं, हम इसको अब इनवर्स फंक्शन, अब यहाँ पे आपको इनवर्स फंक्शन गिवन है, इसकी यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट आपने करना है। तो सबसे पहले तो देखें, ये सारे फार्मूलाज इनवर्स फंक्शन के जो हैं ये आपको आने चाहिए। तो देखें, इन्हीं को यूज़ करके हम सबसे पहले 76 एग्ज़ाम्पल है इसको कर लेते हैं। कि सबसे पहले तो साइन इनवर्स जो है, इसके लिए हमने देखा कि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है 1/√(1 − x)² तो जस्ट इसी के ऊपर अप्लाई कर दें। अब देखिए, अंदर जो फंक्शन है ये अंदर x जो होता है एंगल, इसको भी आगे आप डिफरेंशिएट कर दें। आप ये विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये इसका आंसर 1 आ जाता है, इसलिए हम राइट नहीं करते। तो इन जनरल अगर आप राइट करें विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं तो आपका ये यहाँ पर यू स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास एक्स आर है तो ये आपका यहाँ पे x ही रहेगा और विद रिस्पेक्ट टू x इसको u डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे देखें x स्क्वायर आ रहा है और इसका पूरे ये जो क्वेश्चन है इनको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर फार्मूला रिप्लेस कर दें कि 1/√(1 − यहाँ पे u, मतलब कि ये जो अंदर एंगल इन्वॉल्व हो रहा है इसका आपने स्क्वायर लेना है। तो इसका स्क्वायर पहले से भी था और होल का ये स्क्वायर आ जाएगा। और आगे हम क्या करते हैं, d/dx ऑफ अंदर एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो एंगल देखिए एक्स का स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्टेप करना आपने नहीं भूलना। एंड ये 1 − x^4 हो जाएगा और ऊपर डेरिवेटिव लें एक्स स्क्वायर का, तो ये आपके पास 2x आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। सेम अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 77 क्वेश्चन के अंदर आ जाएँ, इसके अंदर हमने tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखें कि d/dx ऑफ tan इनवर्स क्या होता है। अब यहाँ पे x है, मैं फॉर एग्जांपल इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा 1/1 + x का, ये जो यहाँ पे एंगल ये वाला है इसका स्क्वायर होता है, और आगे इसी एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है, तो आप यहाँ पर t कर दें, ये आ जाएगा। अब t एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर x भी इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको राइट कर दिया। तो अब इसके अंदर देखें, मल्टीप्लिकेशन रूल चूज़ हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं। आप टेन इनवर्स एक्स के लिए डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है कि 1/1 + जो एंगल आ रहा है उसका स्क्वायर लें, पहले से स्क्वायर था तो ये होल का स्क्वायर आ जाएगा, और आगे जो अंदर एंगल इन्वॉल्व हो रहा है उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आ गया। एडिशन का सैम्पल लगाएं, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आएगा, और सेकंड फंक्शन एज इट इज़, मतलब टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ आएगा। तो अब ज़रा इसको सिंपलीफाई करें कि ऊपर देखें एक्स आ रहे, डिवाइजर में 1 + x^4 आ रहे, जब इसका डेरीवेटिव लेंगे तो ये ऊपर ही आएगा, मतलब ये 2x हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर आ रहा है। तो अब ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2x^2 होगा 1 + x^4 + tan इनवर्स ये x हो जाएगा। तो इसमें मज़ीद अब देखें कटिंग या सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहीं पे आप स्टॉप कर दें, तो मतलब ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। अच्छा, अब देखें इसको रहने देते हैं, tan इनवर्स एंड पे भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। और दूसरा हमारा कौन सा आ रहा है, यहाँ पर साइन का आ रहा है, तो साइन के लिए देखें क्या है, इनफैक्ट यहाँ पे साइन फंक्शन साइन इनवर्स चले इन्वॉल्व हो रहा है कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स की बात करें तो ये कितना होता है, 1/√(1 − x)² होता है। अच्छा, फर्स्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। थर्ड क्वेश्चन जी हमारे पास 78, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले रूट फंक्शन इन्वॉल्व है, तो रूट फंक्शन और एडिशन हो रहा है, दूसरा फंक्शन है, दोनों ही सिंपल है, इसके अंदर इनफैक्ट इन्वर्स आ ही नहीं रहा। तो सबसे पहले आप रूट फंक्शन को यहाँ पे देखें, तो रूट फंक्शन के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√ होता है, रूट के अंदर जो भी फंक्शन आ रहा है वो राइट करें, और ऊपर जो रूट के अंदर फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है ऊपर उसका डेरीवेटिव लिखते हैं या उसके साथ लिखते हैं। आप ये स्पेस नहीं है तो ऊपर ही लिख लेते हैं, तो मतलब आगे आप 1 − x^2 का डेरीवेटिव राइट करते हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 2x हो जाएगा, मतलब नेगेटिव का 2x आ जाएगा। एडिशन का सिंबल लगाएं, अब ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, तो यहाँ पे देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। सेम उसी तरह x फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकेंड का डेरीवेटिव साइन का डेरीवेटिव कोसाइन एक्स, अब पॉजिटिव सेकंड फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन जो है एज इट इज़ था, सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ साइन,
फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट है एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन कुछ बन जाएगा। तो इसको राइट करें, सबसे पहले तो 2 2 से यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया नेगेटिव एक्स बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और आगे एडिशन के साथ ये सारे सारे आ जाएंगे, एक्स को साइन प्लस साइन थीटा आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने जो राइट किया था यहाँ पे इन्वर्स था, वैसे सिंपल भी मैंने करवा दिया, आप इन्वर्स से भी कर लेते हैं। जो मैंने यहाँ पे आई थिंक किया था वो इन्वर्स वाला था, तो इन्वर्स वाले से कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले तो एज इट इज़ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस अगर इन्वर्स फंक्शन आ जाए फिर कैसे होगा, फर्स्ट एक्स फंक्शन एज इट इज़, आगे सेकेंड का डेरिवेटिव होता है। अब सेकेंड साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव ये है, तो इसको डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइजर में राइट कर देती हूँ, 1 माइनस एक्स का स्केयर आ गया। प्लस लगाएं, अब साइन इन्वर्स फंक्शन एज इट इज़ लगाएं, और आगे एक्स का डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1 आ जाएगा। एक्चुअल आपका क्वेश्चन जो था वो ये था। अच्छा आप ज़रा देखें, अब यहाँ पे हमारे पास बच गया एक्स बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स बच गया। तो आप ज़रा देखें, ये नेगेटिव का था, यहाँ माइनस का सिंबल है, तो ये पूरी टर्म सेम आ रही है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो ये सारी कैंसिल हो जाएगी, तो जस्ट ओनली आपके पास बचेगा साइन इन्वर्स एक्स। तो एक्चुअल आपका क्वेश्चन ये था, क्लियर हुआ। अच्छा अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79। तो इसके अंदर देखें कि इसमें हमारे पास आ रहा है कोसाइन, उसके अंदर एंगल जो इन्वॉल्व हो रहा है वो साइन इन्वर्स एक्स है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, साइन का, आपको साइन का डेरिवेटिव है, कोसाइन का नेगेटिव साइन होता है, अंदर जो अब एंगल आ रहा है वो आप एज इट इज़ राइट करेंगे, साइन इन्वर्स एक्स आ गया, मतलब कोसाइन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन था वो हमने लगाया, बट ये होता है कि आगे जो एंगल आ रहा होता है उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं, आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव ले लें। तो ये यहाँ से देखें नेगेटिव है, आप साइन से साइन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है साइन इन्वर्स एक्स, तो मतलब कि ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन एक दूसरे की अपोजिट है, साइन और साइन इन्वर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो बचेगी टर्म वो है साइन इन्वर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो इसका डेरिवेटिव हमने देखा 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अंदर एंगल का डेरिवेटिव एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप करें डेरिवेटिव, तो ये जस्ट कितना आ जाएगा 1 आएगा, और यहाँ से ये एक्स भी बच गया। अब देखें ज़रा आंसर, माइनस एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, क्लियर हुआ। अच्छा अब आ जाए लास्ट क्वेश्चन पे, इसके अंदर टेन इनवर्स का फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका देखें सबसे पहले तो देखें ऊपर पावर आ रही है, तो हम क्या करेंगे पावर रूल को अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल में क्या होता है, पावर पहले पावर में से एक कम करते हैं, टेन इनवर्स, अब एंगल जो है 4x आ रहा है, अब पावर में से एक कम करेंगे मतलब 2 माइनस 1, तो आंसर 1 आएगा, तो पावर राइट करें या ना करें 1 एक ही बात है। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे इसका डेरिवेटिव लेते हैं जिसका जो ये फंक्शन एक्चुअल में आ रहा है, मतलब डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स फाइंड करें टेन इनवर्स ऑफ 4x का। तो अब ये जो टर्म है इसको एज इट इज़ राइट करें, टेन 2 tan इनवर्स ऑफ 4x आ गया। अब इसको डेरिवेटिव फाइंड करें, तो इसका डेरिवेटिव देखें क्या आएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्केयर होता है, मतलब जो एंगल इन्वॉल्व हो रहा है 4x है वो इस होल का स्केयर आता है। आगे उसका हम क्या करते हैं, डी बाय डी एक्स फाइंड करते हैं, तो मतलब आगे 4x का डी बाय डी एक्स आ जाएगा। अब इसको यहाँ से रेज कर लें, तो आप ज़रा देखें इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास आंसर आएगा ये 2 tan इनवर्स ऑफ 4x, अब ये डॉट है, अब 4x का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जस्ट 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर आएगा, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें तो जस्ट ओनली यहाँ से 1 आएगा, तो मतलब 4 × 1 तो 4 आ जाएगा। और डिवाइसर में ज़रा देखें, 1 + 4 को मैं सेपरेट स्केयर दे दूँ, एक्स को सेपरेट दे दूँ, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, एक्स का स्केयर जो है वो एज इट इज़ आएगा। अब ऊपर इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 × 2 से करें, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, एंड टेन इनवर्स 4x डिवाइसर में 1 + 16x का स्केयर, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हमने लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया।